प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन या कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। देखो इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं, फोर्सेस के लिए भी। जो अगला चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है उसमें ये बहुत काम की चीज़ है, सीख लेना चाहिए। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट है क्या। इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि सपोज आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है, इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेन है जो इंक्लाइंड है, मतलब नॉर्मली हम अपने क्वेश्चन ग्राउंड पे करते हैं, पर ये ऐसा प्लेन है जिसने ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। ठीक है यहां तक, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है, m। ठीक है यहां तक, m मास है। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट क्योंकि फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे, स्लाइड करता हुआ सीधा नीचे गिरेगा। अब छोड़ दें, ये बिल्कुल नीचे आएगा, ऐसा ही होगा, तो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये बताओ कि इस बॉडी का जो वेट है वो कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मानते हो। तो वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी, राइट, क्लियर है यहां तक। तो वेट की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है क्योंकि ग्राउंड हमें नीचे खींचता है। पहला रूल क्लियर है। दूसरा, आप इसमें एक काम करें, एक लाइन खींचे कुछ ऐसी जो इसके साथ पैरेलल हो। आपके सामने पैरेलल लाइन खींच दी मैंने, पैरेलल लाइन है। अब सबको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी एग्जैक्टली क्या होगा, थीटा, क्योंकि थीटा थीटा कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। थीटा एंड थीटा आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अगर मैं एक लाइन इमेजिन करूं कुछ इस तरीके से, ऐसे, सच दैट ये जो लाइन है उसने एंगल बनाया इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना, 90। ठीक, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में भी एंगल क्या होगा, 90, राइट, क्लियर है यहां तक। तो अगर ये एंगल 90 है और उसमें से ये वाला एंगल थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितने, 90 माइनस थीटा, सही है, ताकि टोटल बिकम 90। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये लाइन और ये लाइन, या फिर ऐसे बोलते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी कितना एंगल पर है, 90, चेक कर रहे हो, 90। और इन दो लाइन में अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल 90, तो बचा हुआ एंगल कितना है, थीटा। ये स्टेप क्लियर है। तो मैंने मैथमेटिकली क्या प्रूव किया, मैंने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, राइट, क्लियर है। पर आपको एग्जाम के अंदर ये प्रूव करने को नहीं आता कि प्रूव करो ये एंगल थीटा है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के बाद अगर मैंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया सच दैट इसके अंदर ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, अगर ये एंगल 30 है और इसका वेट कितना है, मान लो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट नीचे की तरफ कितना है, mg, mg का मतलब है 5g, तो वेट इसका 5g, वेट क्या होता है, फोर्स है, तो फोर्स कितनी है, 5g, तो ये फोर्स अगर 5g है और अगर मैं ये एक लाइन परपेंडिकुलर यहां पर खींचूं, तो मैंने क्या अभी शॉर्टकट बताया कि अगर ये 30 है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 30। इसका प्रूफ मैंने अभी आपको करवाया, तो आज के बाद आपको पेपर में प्रूफ नहीं पूछेगा कि कैसे हुआ, आज के बाद सीधा मार्क कर देना है कि अगर ये 30 तो ये भी 30 है। तो पहला रूल क्लियर है, ठीक है यहां तक। अगर ये 60 तो ये भी 60, 45 तो 45। अब वेट क्या होता है, वेट तो एक फोर्स है और फोर्स तो एक वेक्टर है, और वेक्टर के क्या बन सकते हैं, दो कंपोनेंट्स। तो वेक्टर 5g का पहला कंपोनेंट बनेगा, जो पहला कंपोनेंट है वो बनेगा ये, क्योंकि वे फोर्स क्या है, 5g, ये फोर्स है, फोर्स का एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ जहां एंगल 30 है, बोलो कितना, 5g cos ऑफ 30, और एक कंपोनेंट कहां पर बनेगा, इस तरफ, बोलो कितना, 5g sin ऑफ
30 किया था ना, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेट जो है वो 5g, इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट 5g cos 30 और दूसरा 5g sin 30। क्या ये रूल क्लियर है? तो 5g sin 30 का मतलब क्या है, 5 इंटू जी का मतलब 10, sin 30 का मतलब 1/2, तो कैंसल हो गया, क्या आ गया 25 न्यूटन, 25 न्यूटन आ गया। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स से, या ये ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स से डाउनवर्ड स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो आंसर क्या देंगे आप, 25 न्यूटन। तो पूछेगा, क्योंकि स्लाइड करने की फोर्स इंक्लाइन प्लेन के साथ होगी, तो स्लाइड करने की फोर्स कितनी है, 25 न्यूटन। कोई डाउट इसमें? कॉस 30 कुछ नहीं, वो जोर लगा रहा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, जिससे कि बदले में एक रिएक्शन लगता है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, लगाते रहो, वो इंक्लाइन प्लेन पे जो भी फोर्स लगाएगा उससे उसे नीचे की जर्नी अफेक्ट नहीं होगी। तो कितनी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आंसर इज 5g sin 30। तो क्या ये रूल क्लियर है? अब सपोज क्वेश्चन आएगा, कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है। अब सबको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फोर्स को किससे डिवाइड करना है, मास से। तो कितनी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, 25, और कितना मास है इसका, 5। तो आंसर इज 5 m/s² से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें सोचना है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये बताओ कि सपोज अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ये करके देखो एक बार, कि सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का ये जो एंगल है वो कितना है, वो 30 डिग्री है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 m है, ठीक, 5 m है, या सपोज चलो ये 10 m ले लेते हैं, तो ये जो हाइट है सपोज वो कितनी है, वो 10 m है। ये लो, एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से चला, ए से लेके बी तक उसको नीचे आना है, वो रेस्ट से चलता है, तो यू इज इक्वल टू 0। तो स्लाइड करता 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 कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये बताओ कि यहां से यहां आने में उसे कितना समय लगा, टाइम कितना लगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। हिंट ये है कि जब आप यहां से यहां ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यही हो गया ना, ये लेंथ है, यहां पर ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये लेंथ कितनी है बोलो, निकालनी पड़ेगी। कैसे, साइन 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। तो यहां पर क्या आएगा, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एस, तो 1/2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 20 m। तो ये निकालना पड़ेगा एस की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 20 m। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? पहला रूल, एस आ गया, टाइम निकाल सकते हो, निकालना जरा टाइम, अप्लाई करो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम क्या आ रहा है चेक करना, मैं टाइम निकालने के लिए मैं ए से लेके बी तक की लेंथ लूंगा, ए से लेके बी तक, और क्या अप्लाई करूंगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की जगह क्या पुट करूंगा, 20, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 हाफ इनटू एक्सेलरेशन की जगह जी, सारी गेम एक्सेलरेशन की है। ये बताओ जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं, या तो y में लगाते हैं या x में लगाते हैं, तो बोलो इसकी हेडिंग में क्या डालूं, y की x, ये जर्नी y में है कि जर्नी x में है, कितने बोलते हैं कि y में है,
नहीं बोल पा रहे। कितने बोलते हैं एक्स में, ये भी नहीं बोल पा रहे। कैसे एक्स में कैसे है, ये तो टेढ़ा आ रहा है, एक्स कैसे होता है ये। अच्छा कितने बोलते हैं एक्स वाई प्लेन में है, हाँ एक्स वाई प्लेन में है, समझ में आ रहा है। अच्छा कितने लोग बोलते हैं कि नया एक्सिस बना लेते हैं, ए बी, ए बी नया एक्सिस है, तो मैंने वही तो लिखा हेडिंग, ए बी एक्सिस है, होता होगा कोई एक्स, कोई प्लेन एक्स ए बी ए, क्योंकि हमने चैप्टर किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अंदर इस बॉडी से पूछा क्या तो स्ट्रेट मूव कर रही है, उसने कहा हाँ जी मैं तो स्ट्रेट मूव कर रही हूँ, तो एक्सिस कहते ना, कहते ना तो एक्स है ना वाई है, मेरा तो ए बी एक्सिस है। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी एक्सिस ए बी लगा लेता हूँ। तो मैंने पूछा ए बी के अलोंग, अब क्योंकि हेडिंग ए बी चल रही है, ए बी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, आंसर इज 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, उसने कहा किसके अलोंग, आंसर इज ए बी के अलोंग। तो एक्सेलरेशन किसके अलोंग निकालनी है, ए बी के अलोंग। तो जो मैंने अभी सिखाया कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में यहां कहीं आया होगा, यहां कहीं आया होगा, ठीक, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं आया होगा, क्या हुआ, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी के अलोंग आया होगा तो इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है, इसका मास मुझे देना पड़ेगा आपको, मास दिया नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, कितना 10 केजी सपोज, इसके बिना आंसर नहीं आएगा, क्या जाएगा, आएगा आएगा, नहीं चाहिए मास, ठीक है दिखाता हूं कैसे। तो मान लो 10 केजी नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10 जी फोर्स है, ये एक लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल क्या होगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री, अभी डिस्कस किया, तो 10 जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, 10 जी कॉस 30, और फोर्स ए बी के अलोंग कितनी है, 10 जी साइन 30। तो एक्सेलरेशन ए बी के अलोंग कितनी है, ए बी के अलोंग फोर्स क्या है, 10 जी साइन 30 को मास से डिवाइड कर दे, मास वापस से 10 है, 10 से 10 चाहिए ही नहीं, एक्सेलरेशन में कोई मास चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास है, तो फोर्स का मास और वैसे मास कैंसिल हो जाएगा। तो जी की वैल्यू कितनी है, 10, साइन 30 क्या है, हाफ, कितना आएगा 5, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 5 इंटू टी का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो गया 40 इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या आएगा 8, टी क्या आएगा 2, आंसर 2√2 आंसर है। सारी गड़बड़ एक्सेलरेशन में होनी है, क्योंकि ना एक्स है ना वाई है, इस पे तो ए बी है, तो हम वेक्टर की हेल्प से क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग ए बी, तब आंसर आएगा। समझ में आ रहा है इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम कैसे चलती है, फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रोज यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो आपने जो ये देखा इसके अंदर यही सिखाया है कि इंक्लाइन प्लेन है, पहले प्रूफ बताया कि एंगल थीटा क्यों होता है, फिर सीधा बता दिया कि अगर ये थीटा तो ये थीटा होता है, फिर करके बताया कि अगर ये मास 5 केजी का है तो 5g 30 के साथ कंपोनेंट 5g cos 30 और परपेंडिकुलर 5g sin 30, तो ऐसे केस में जो फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितनी है, 5g sin 30, एक आंसर। दूसरा ये मैंने करके दिखाया कि अगर वेट mg है, mg cos mg sin 30 या थीटा, तो फोर्स कितनी है, mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन कितनी है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इसको मास से डिवाइड कर देंगे, मास मास कैंसिल, आंसर जी साइन थीटा, अभी किया हमने। फिर मैंने सेम क्वेश्चन करके दिखाया हाइट वाला, एस कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम हमने ऑलरेडी कर लिया।